अस्सलाम वालेकुम। गैमो शेडो 1000 बिल्कुल असल और ओरिजिनल हालत में। ये साइड एक बार चेक कर लें, सारी ट्रिगर गार्ड चेक करें, ट्रिगर चेक करें बिल्कुल ओरिजिनल और असल हालत में। स्टॉपर चेक करें, स्टॉपर बिल्कुल असल हालत में बिल्कुल ओरिजिनल। स्प्रिंग चेक करें, बिल्कुल स्प्रिंग एक्यूरेट और अभी तक न्यू पड़ा हुआ है। मैंने इतने चलाया भी नहीं, इस पर मैंने 300 से 400 से पैलेट्स चलाए होंगे। और इसकी पिस्टन सील चेक करें, बिल्कुल ओके और न्यू कंडीशन में पड़ी हुई है। और बाकी ये साइड भी देख लें, साइड्स बिल्कुल ओके हैं और असल और ओरिजिनल साइड्स हैं। दोनों रेयर और फ्रंट साइड दोनों ही ओरिजिनल साइड हैं। इसके ऊपर मैंने टीगल का जियर माउंट लगाया हुआ है और 340 टीगल स्कोप लगाई हुई है। और मैंने इसको 25 गज पे ज़ीरो किया हुआ है, 25 यार्ड पे। और 25 यार्ड पे बिल्कुल एक्यूरेट ईरानी पैलेट्स के साथ मुझे ये रिज़ल्ट दे रही है, ईरानी पैलेट्स के साथ। ये देखें, ये ईरानी पैलेट है और 25 यार्ड पे मैंने इसको ज़ीरो किया हुआ है। तो अभी मैंने वो सामने वैसे एक टारगेट रखा हुआ है, बोतल कैप है ये वाली, तो मैं अंदर से मीटर लेके आता हूँ और आपको इसका 25 यार्ड पूरा करके ना फिर मैं आगे, अभी ब्रेक लगा रहा हूँ तो 25 यार्ड पे रख के वहाँ से लेकर उस दीवार से इस दीवार तक 25 गज बनते हैं। तो अभी ब्रेक लगा रहा हूँ, 25 गज मैं आपको दिखा के फिर इसको मैं शूट करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा टारगेट पड़ा हुआ है बोतल कैप और ये हमने फीता रख दिया है, और फीता हमने आगे रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कितने गज पे है। ये जी ये है 24 मीटर, 24 मीटर बनता है 26.2 गज। वो हमारी बोतल कैप पड़ी हुई है, तो अभी मैं गन लोड करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से वहाँ तक शूट करना है। पैलेट लोड करते हैं, इसमें ईरानी जेट है, ईरानी पैलेट। 25 यार्ड पे मैंने इसको ज़ीरो किया हुआ, गन को लोड करना नहायत आसान है। अब टारगेट दिखा, जूम कर लें थोड़ा। हाँ जी, 26 यार्ड पे ईरानी पैलेट बोतल कैप। ओ सॉरी, कैमरा मैन ने बंद कर दिया था। तो देखिए बिल्कुल एक्यूरेट लगा है, गन नहायत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। और जियर माउंट के साथ रिंग रबड़ मैंने लगाया हुआ है, 340 माशाल्लाह बहुत अच्छी मुझे एक्यूरेसी दे रही है। और गन माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। और 26.2 यार्ड पे हमने इसको पैलेट उसको हिट किया, बोतल कैप को, बहुत ही छोटा सा निशान था। थैंक यू।